नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नियो वोल्टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपके लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि बिजली विभाग की तरफ से बंपर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिजली विभाग में आई बंपर भर्ती की। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि बिजली विभाग में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है ये ऑल इंडिया की भर्ती है। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, चाहे राजस्थान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हो। चलिए आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं 9 सितंबर से 29 सितंबर 2020 इसकी लास्ट डेट है आवेदन करने की। आप जो है पेमेंट ऑनलाइन करवा सकते हैं किसी भी माध्यम से 9 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक में। दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना होगा वो भी हम आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के, और आपको दिखाएंगे ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से जारी कर दिया गया है। जी हां, बिजली विभाग की तरफ से ये बंपर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बताएंगे आपको पूरी भर्ती की पूरी जानकारी। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और रोजाना सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके, और साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी सरकारी नौकरियों के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बेल आइकन दबाने पर। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई वैकेंसी की जो निकाली जा रही है बिजली विभाग की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप 10वीं या 12वीं या फिर स्नातक पास है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर इस वैकेंसी के लिए जो सैलरी है वो है 65,500 रुपए पर मंथ। जी हां दोस्तों, महीने के आपको 65,000 रुपए से अधिक आपको महीने की सैलरी मिल रही है। महिला और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, केवल आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, आवेदन ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आपको बताते हैं इस वैकेंसी के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको दे देते हैं। तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए गूगल में सर्च करें www.tipswaralbus.xyz। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे tipswaralbus.xyz, वैसे ही आपको सबसे ऊपर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहां पर आकर के आप सभी भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आई बंपर भर्ती की। जी हां दोस्तों, यूपी पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन जो है केवल ऑनलाइन ही मांगे जा रहे हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहां पर 29,000 से लेकर के 94,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, और एज लिमिट की वहीं बात करते हैं तो यहां पर 21 से 40 साल जो है उम्र सीमा है, एज लिमिट है, और आयु सीमा में छूट अलग से है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और यहां पर दोस्तों क्वालिफिकेशन आपको बता देते हैं कि यहां पर जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट है। अगर आप ग्रेजुएट है रिलेवेंट डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है फुल इंफॉर्मेशन यहां पर है। 9 सितंबर से लेकर 29 सितंबर 2020 तक आवेदन चलेंगे। आवेदन करने का लिंक ये रहा नोटिफिकेशन के साथ में। तो दोस्तों आप यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के अप्लाई करने का लिंक भी ले सकते हैं। यहां पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा। नीचे जाकर के आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और स्टार्ट पर क्लिक करना है, और यहां पर यह रहा ऑनलाइन फॉर्म। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या जानकारी दी गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज यहां पर वैकेंसी की जानकारी है। सैलरी यहां पर कितनी होगी वो भी यहां पर मेंशन है, और यहां पर पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी है। उम्र सीमा 21 से 40 वर्ष है, और यहां पर आयु सीमा में छूट भी है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए भी 3 साल की छूट है। यहां पर रिजर्व कैंडिडेट्स को सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जा रही है, और यहां पर चयन प्रक्रिया के बारे में साफ साफ बताया गया है। दोस्तों यहां पर आपकी केवल सीबीटी बेस आपकी परीक्षा होगी, ऑनलाइन आपका टेस्ट दिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट आपका किस प्रकार होगा, कितने आपके सवाल पूछे जाएंगे, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, हाँ रहेगी, यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी, तो यहां पर आपको सारी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर आपका एग्जाम का सिलेबस भी दिया गया है, किस प्रकार आपका एग्जाम का सिलेबस रहेगा, तो वो यहां पर आप उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम की तैयारी भी करवा सकते हैं। और यहां पर एग्जाम का जो सेंटर है वो कहां कहां पर होगा, लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, इन सभी शहरों में यहां पर जो है एग्जाम के सेंटर यहां पर दिए जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप बिजली विभाग की इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, फॉर्म भरते समय आपको विशेष तौर पर क्या जानकारी रखनी है, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, वो सारी की सारी महत्वपूर्ण बातें यहां पर दी गई है, और अन्य विशेष सूचनाओं पर यहां पर गौर कीजिएगा। यहां पर आपको काफी जानकारी देखने को मिलेगी। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो यहां पर सारी जानकारी दी गई है कि किस कारण से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, और यहां पर महत्वपूर्ण तिथियां भी दी गई है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है कि कब से कब तक आवेदन चलेंगे और कब से कब तक आपके एग्जाम होंगे। तो
तो यहां पर बताया गया है टेंटेटिवली कि यहां पर अक्टूबर 2020 में आपके एग्जाम होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको इंग्लिश में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार आपकी यहां पर मेरिट लिस्ट निर्धारित की गई है, किस प्रकार आपकी यहां पर कट ऑफ ली जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपको सारी जानकारी दी गई है। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आवेदन करने के लिए यहां पर आपको यह फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो पोस्ट सेलेक्ट करनी है, और यहां पर आपके नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके फॉर्म को फिल करना होगा। जी हां दोस्तों, यहां पर लॉगिन करना होगा। यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। लॉगिन करने के बाद में आपको आपका फॉर्म भरना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, जैसा कि आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी आपके पास में इंफॉर्मेशन है वो आप वहां पर फिल करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ साथ। तो इस प्रकार आप बिजली विभाग की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि आपका समय और पैसा बर्बाद ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।